जुर्रानपुर गांव वासियों ने सड़कों पर जाम लगाकर हंगामा किया। बता दें पूरा मामला, जानकारी के अनुसार सक्षम पुत्र रविंद्र उम्र 16 वर्ष शुक्रवार शाम 4 बजे अपने घर जुर्रानपुर गांव से कोचिंग का जाने के लिए घर से निकला था। सक्षम के परिजनों ने कहा कि सक्षम शुक्रवार शाम 4 बजे से नोबल इंस्टीट्यूट शास्त्री नगर गया था, लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं पहुंचा। परिजनों ने बताया कि हम तब से उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं लग पाया, जिसकी परिजनों ने सूचना पुलिस को दी। परिजनों का आरोप है कि 24 घंटे प्रयास किया, ना ही जानकारी लेने गांव आए। इसी के चलते ग्रामीणों में आक्रोश भर गया, जिस पर परिजनों के साथ ग्रामीणों ने बिजली बम्बा बाईपास पर ट्रैफिक को रोककर चक्का जाम कर सड़कों पर बैठ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। कुछ ही क्षण में सीओ ब्रजेश कुमार पहुंचे, ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। ग्रामीणों ने पुलिस को 24 घंटे में सक्षम को बरामद करने के लिए चेतावनी दी और कार्रवाई की मांग की। नाम क्या अम्मा जी? ब्रजेश। आपने रास्ता जाम क्यों करा, क्या कारण था? अपने बच्चे का कारण। आपका बच्चा मतलब? अपने लड़के का कारण। क्या हुआ, बात बताओ। ट्यूशन पढ़ने गया था, रास्ते में ही किसी ने। क्या नाम है उसका? सक्षम। सक्षम भाई, 4 बजे से। कितने वर्ष का है वो? 16 साल का। और कौन से गांव से हो आप? जुर्रानपुर से। जुर्रानपुर मेरठ बाईपास। बाईपास। सक्षम के पिताजी का नाम क्या है? रविंदर। मोहनदीप भी है, रविंदर भी है, दो नाम है उनके। ये क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सरविंद कुमार है और मैं बच्चे का चाचा हूँ। जी, क्या मामला हुआ है? सर, ये बच्चा कल शाम 4:15 बजे करीब यहाँ से ट्यूशन के लिए निकला था, लेकिन वो ट्यूशन पहुँचा ही नहीं। हमें लगा कि ट्यूशन पहुँच गया होगा, इस वजह से हम लगभग 7:30 ऐसे ही रहे। और जब हमें लगा कि बच्चा लेट हो गया तो हम खोजबीन शुरू की उसके बाद हमने। उसके बाद जो चौके पर लिखवाया उसके डिटेल, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। आज सुबह जाकर के FIR कराई सर, सुबह से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिला पुलिस की तरफ से। अब आकर के जब हमने चक्का जाम किया तब जाकर के इनकी तरफ से सर आए, SSO सर आए। अच्छा, बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम सर सक्षम कुमार है सर। उसके पिताजी का नाम क्या है? मोहनदीप कुमार सर। अच्छा, तो ये कहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था? ये शास्त्री नगर में नोबल में जाता है सर। अच्छा, तो आपने तलाश काफी किया उसके बाद? तलाश सर ये देख लीजिए, रात हो गई, रात से अब तक हो गया, पूरी रात दौड़ाए फिर रहे, अभी तक एक खाना भी नहीं खाया कुल मिलाकर के किसी ने भी। अब पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन फिलहाल तो डिटेल ही ले रहा है, अब जा करके डिटेल ले रहा है, जो कि काम सुबह का था। तो आपने चक्का जाम किया था इसका? हाँ, चक्का जाम हमारी मजबूरी, जब ये हमारी मजबूरी बनी ना, जब हमारी मजबूरी बनी तब चक्का जाम किया। हमें तो ये लगता था यदि चक्का जाम ना करते तो ये आते ही नहीं, अभी नहीं आ पाता। लगभग कितनी उम्र होगी लड़के की? बच्चे की उम्र 15 साल है।